अगर पैसा हो तो कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। ये पैसा इंटरनेट पे पार्ट टाइम जॉब करने से इतना नहीं मिलता है जिनसे आप अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो या आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हो। कभी आपने गौर किया है कि जॉब्स में जो प्रमोशन होते हैं वो प्रमोशन एक महीने या दो या तीन महीने के बाद किसी इंसान को क्यों नहीं मिलता है? किसी भी इंसान का प्रमोशन 6 महीने, 1 साल, 2 साल इनके अंतराल पर मिलता है, क्योंकि आप कहीं भी जॉब करो, जॉब नहीं करते हो, आप किसी भी तरीके से पैसा कमाते हो, आप उतना ही पैसा अर्न कर सकते हो जितना आपके पास नॉलेज है। अगर 50,000 मंथली अगर आप अर्न करते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास इतना ही नॉलेज है जिससे 50,000, सिंपल शब्दों में आपके पास 50,000 के लायक ही नॉलेज है। जॉब में अगर 2 साल के बाद प्रमोशन होती है और आपकी सैलरी 1 लाख हो जाती है तो इसका मतलब आप यूँ समझो कि 2 साल में आप इस लायक बन चुके हो कि आपका जो नॉलेज है वो 1 लाख के बराबर है। इनडायरेक्टली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसा या सक्सेसफुल फ्यूचर आपको पढ़ने से मिलता है। किसी भी शॉर्टकट तरीके से आप अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते हो। इसलिए हर स्टेज पे आप जॉब करते हो, आप बिजी रहते हो, आप बहुत गरीब हो, फिर भी पढ़िए। पैसा तो मैं भी अर्न करता हूँ, लेकिन इसलिए अर्न करता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारा पढ़ाई किया है और उसी पढ़ाई के बदौलत मैं आपको पढ़ाता हूँ, तब मैं अर्निंग कर पाता हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ईमेल किया, सर मेरी हेल्प कीजिए, मैं पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। आप तो प्रीमियम स्टूडेंट हो, आपको तो पता ही होगा कि वीडियोज आपको रात को 2 बजे, सुबह के 3 बजे, कभी 1 बजे ऐसे जाता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है, यानी कि आपको रात को इतनी लेट से वीडियोस क्यों जाती है? मैं जॉब भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ और अपनी सर्विस भी मैनेज करता हूँ, ये मेरा रोज़ का काम है। और क्या आपको भी रोज़ का इतना ही काम होता है? अगर इतना ही काम होता है और स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई सीरियस मैटर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इससे थोड़ा सा भी कम काम है और उसके बावजूद भी अगर आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप यूँ समझो कि आज अगर आपको कोई जियाउद्दीन के नाम से पुकार रहा है तो 5 साल के बाद भी जियाउद्दीन के नाम से ही पुकारेगा। अगर आज आप पढ़ोगे नहीं तो 5 साल या 10 साल के बाद कोई आपको फाउंडर ऑफ़ जियाउद्दीन प्राइवेट लिमिटेड या फाउंडर ऑफ StockWeb.net इस तरह से कोई नहीं पुकारेगा। आपने देखा होगा हर वीडियो आपको यूनिक दी जाती है। यूनिक इसलिए होता है ताकि आप इस लायक बन सको, ताकि फ्यूचर में आप हमारी सर्विसेज या आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सको। जो प्रोग्राम्स में या जो एजुकेशन क्वालिटी मैंने अचीव किया है उस हिसाब से आप अचीव करो और आप उस लायक बनो कि आप फ्यूचर में मुझसे बड़ा ब्रांड या मेरे साथ काम करने वाली कंपनी बन सको। थैंक यू।